साउथ सिनेमा ने आज वो कर दिखाया है जो भाई और किसी सिनेमा ने नहीं दिखाया। हाँ, एक टाइम था जब हम लोग साउथ को और बॉलीवुड को मिला करके एंड साउथ को क्रिटिसाइज करते थे कि किस तरह के ये एक्शन कर रहे हैं, किस तरह के ये सीक्वेंस दिखा रहे हैं एंड किस तरह की कॉमेडी है। हाँ, पहले मान सकते हैं हम उनके थोड़े से उस तरह के थे, लेकिन आज वही साउथ की मूवी ऑस्कर में जा करके खड़ी हो चुकी है एंड उस मूवी के एक गाने ने जो कि सारे लैंग्वेज बैरियर तोड़ करके ऑस्कर लेके आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ RRR मूवी के ओरिजिनल सॉन्ग्स नाटू नाटू। हाँ भाई, इस मूवी को पहले ऑस्कर में भेजा भी नहीं गया था। सबसे पहले तो मैं आपको इस मूवी की एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ एंड वो ये है, जब RRR रिलीज भी नहीं हुई थी तो राजामौली को हर कोई क्रिटिसाइज करता था कि ये एक साउथ के नॉट सो पॉपुलर स्टार्स को उठा करके मूवी बना रहे हैं। छोटी मोटी मूवी भी नहीं, कोई 500 करोड़ रुपए का पैसा लगा करके एक मूवी बना रहे हैं, ये मूवी बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होएगी। हालांकि बाहुबली क्या कहते हैं ब्लॉकबस्टर हो गई, लेकिन सारी फिल्म बाहुबली नहीं होती। लेकिन भाई राजामौली ने हार नहीं मानी एंड उन्होंने जब ये मूवी रिलीज करी तो भाई इस मूवी ने अलग ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल करके दिखाया एंड ये मूवी ने 1000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करके दिखाया बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन बात करते हैं अब इस मूवी को ऑस्कर किस लिए मिला, तो भाई इस मूवी को ऑस्कर मिला है इसके गाने नाटू नाटू के लिए। हालांकि ये गाना साउथ लैंग्वेज में है, ओरिजिनली हिंदी में डब है, लेकिन भाई इसका जो म्यूजिक है, कोरियोग्राफी है, वो एकदम टॉप ऑफ द लेवल है। एंड भाई जब हमारी तरफ से इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी कि ऑस्कर में कौन कौन सी जा रही है, तो बहुत सारी पब्लिक यार नाखुश हो गई थी कि RRR जैसी मूवी को ऑस्कर में नहीं भेजा गया। लेकिन राजामौली ने यहाँ पर हार नहीं मानी, राजामौली इस मूवी को खुद ऑस्कर तक लेके गए जद्दोजहद करके एंड इस मूवी के लिए एक ऑस्कर लेकर आए। सबसे पहले इस मूवी के जो ओरिजिनल सॉन्ग है नाटू नाटू, उसको मिलता एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड तब यहाँ से इंडिया की हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब इसको ये अवार्ड मिल चुका है तो ये ऑस्कर में जरूर जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, तब इंडिया की हाइप और ज़्यादा बढ़ जाती है जब इंडिया से पता चलता है कि दीपिका पादुकोण ऑस्कर में हमारे इंडियन बॉलीवुड मूवीज को प्रेजेंट करेंगी। एंड भाई जब ये चीज़ होती है तो इंडिया एकदम खुशी से पागल हो जाता। एंड भाई जब ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई कि नाटू नाटू सॉन्ग्स को बॉलीवुड की तरफ से ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया है, तब इंडिया पूरा पागल हो गया एंड हर कोई इंडिया में पलके बिछा के इंतजार कर रहा था कि क्या नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर मिलेगा। एंड आज से करीबन 2 दिन पहले ये खबर आती है कि भाई नाटू नाटू सॉन्ग्स ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है। एंड भाई ये था उन लोगों के मुँह पर तमाचा जो RRR राजामौली को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये था उन लोगों के मुंह पे तमाचा जो SS राजामौली को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो भाई ये थी स्टोरी राजामौली के ऑस्कर अवार्ड तक ले जाने तक एंड ऑस्कर अवार्ड लाने तक इंडिया में। तो भाई अब आप लोग मुझे नीचे बताओ आप लोगों को RRR मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग कैसा लगता है। बाकी भाई आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।